ध्यान रखना, इस गांधी जयंती और शिक्षा दान पर आए हुए सभी अभिभावकों को सही सलामत रखना। हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, कहने वाला इंसान बुरा है। क्या मेरा किस कदर जलन है और सुबह मुंह दिखाने से क्या फायदा। कौन सा क्लास में पढ़ते हो? कौन सा क्लास में पढ़ते हो? क्या लगता है इससे काफी मदद मिलेगा और उनकी तरफ से भी काफी मदद मिलती है? गांधी जी ने इस गुलामी को आज़ादी के रूप में बदल दिया, तो जो मैं गांधी जी जो अपना मिशन चलाया और मिशन के तहत इस बरसों बरस से गुलामी की आज़ादी में दिलाया, सत्य अहिंसा के बल पर मैंने भी एक मिशन चलाया है कि जिनके माता पिता नहीं होंगे, जो अनाथ होंगे, जो गरीब होंगे, मजबूर होंगे, यतीम होंगे, उन बच्चियों को मैं किताब दूंगा पढ़ने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा दूंगा, जूता दूंगा, मोजा दूंगा, कलम दूंगा, पुस्तक दूंगा, जो भी सामग्रियाँ उनको घटेगी पढ़ने के लिए मैं दूंगा। क्योंकि एजुकेशन ही शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसे सब कुछ खोला जा सकता है, जिसके बारे में कहा गया है एजुकेशन ये बैन बोन, यानी एजुकेशन जो है शिक्षा एक रीढ़ की हड्डी होती है, जब रीढ़ की हड्डी ही कमजोर हो जाएगी तो हमारा शरीर नहीं टिक पाएगा और शिक्षा जब मजबूत रहेगी तो टिक पाएगी। इसके लिए हमें चाहे जो भी संघर्ष करना पड़े, हमें जंगलों में खाक भी छनना पड़े, तो अगर हमें चंदा दरवाजे मांगना पड़े, तो इसके लिए मैं तैयार हूँ, चलता रहूँगा, चाहे इसके लिए कितना कठिनाइयाँ हो मैं उसको पार करते हुए आगे बढ़ता रहूँगा। इसके बाद से मेरा अपना दूसरा जो मिशन होगा वह राजपुर रघुनाथ में पूरा हाई स्कूल में होगा, और उसके बाद तीसरा जो हमारा मिशन होगा वो महाराज मास शंकर सिंह हाई स्कूल में होगा। ये हमारा मिशन बराबर चलता रहेगा, कभी रुकेगा। उद्देश्य तो बहुत बड़ा और महान है। इस अवसर पर मेरे शिष्य परंपरा की एक मजबूत कड़ी हामिद साहब एक ऐसा मिशन लेके चल रहे हैं जो समाज के लोगों को बहुत हास्यास्पद लगता होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है। न ये जमींदार है, न राय बहादुर है, न ठाकुर है, न नेता है, न पैसा वाला है। एक अदना शिक्षा खो करके और गरीबों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, शिक्षा के विस्तार के लिए महादान जो कर रहे हैं अपने ही सीमाओं में, यह निश्चय ही सराहनीय है। सबको सराहना चाहिए और इनको आशीर्वाद देना चाहिए कि इनसे प्रेरणा लेकर के एक नहीं हर समाज में हामिद पैदा हो जाए तो शिक्षा की समस्या दूर हो जाए। ठीक है, थैंक यू। ये बहुत ही अच्छा आयोजन है, हामिद साहब का ये जो कदम है बहुत ही बेहतर है। समाज के उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो आर्थिक तौर पर मजबूर हैं, गरीब हैं, ऐसे लोग आजकल देखने वाला कोई नहीं है। आज के दौर में ऐसा मदद करना मिल जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ शिक्षा को अनिवार्य होना चाहिए, सरकार की ओर से होना चाहिए कि तमाम बच्चों को फ्री में शिक्षा मिले। इस तरह अभी तक हमारे यहाँ कानून नहीं बना है, और ऐसे में कोई आदमी थोड़ा बहुत भी मदद करता है तो इसे एक प्रेरणा मिलती है। हामिद साहब ने जो आज कदम उठाया है तो देखकर और लोग भी आगे बढ़ेंगे। हम अकेले ही चले थे जान बे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया।